नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम आजम खान को लेकर। सब लोगों को मालूम है कि आजम खान को 3 साल की सजा हो गई है। 9 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी 75 साल उम्र है, लगातार बीमार रहते हैं। ये कुछ बातें हैं जो हमेशा आजम खान के बारे में याद रहेगी। लेकिन आगे बता दें आपको कि आजम खान को जो जेल हुई है वो हेट स्पीच मामले में हुई है, जो 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनावों के समय दी। अब यहाँ पर कुछ और कहते नजर आए आजम खान, उसके बारे में बात कर लेते, फिर सवाल करेंगे तो जवाब की उम्मीद भी करेंगे। अब मीडिया कर्मियों के कैमरों को देखकर हमेशा अपने ही अंदाज में बयान देने में माहिर आजम खान के तेवर मंगलवार को बदले बदले से नजर आए थे। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कार में बैठते वक्त बस इतना जरूर बोले कि मैं पहले मीडिया ज्वाइन करूंगा, इसके बाद ही कुछ बोलूंगा। अब छल जैट थाने में 26 जनवरी 2008 को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत अन्य सपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप है कि आजम खान ने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसा कर सड़क जाम करवाई थी। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद स्थित MP MLA स्पेशल कोर्ट में चल रही है। वही मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। दोपहर 1:06 पर आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कार से कोर्ट परिसर तक पहुंचे। उन्हें परिसर में सपा कार्यकर्ता और मीडिया कर्मियों की भीड़ भी देखी। इसके बाद उन्होंने मास्क लगा लिया और नीचे उतरे। पिछले तारीखों की तुलना में उन्होंने इस बार पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा बात नहीं की। अपने अधिवक्ता और बेटे के साथ वह कोर्ट में पेश हुए। करीब 30 मिनट वह कोर्ट में मौजूद रहे। कुछ देर बाद वह कोर्ट से बाहर निकले। इस दौरान रामपुर कोर्ट से मिली 3 साल की सजा के बारे में पूछा गया, तब बेटे अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बाद आजम ने कहा कि वे बीमार हैं। इसके आगे बोले कि जब भी बोलूंगा, जब मीडिया ज्वाइन कर लूंगा। कार में बैठकर वे रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम खान के अधिवक्ता शहनवाज सिप्टेन ने बताया कि आजम खान और उनके बेटे छलजैट प्रकरण के बयान दर्ज कराए आए थे और आजम खान ने अपने बयानों में घटना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने उनसे कहा कि क्या वे अपने डिफेंस में कुछ कहना या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। तब आजम ने कहा कि वे अपने बचाव में डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें समय चाहिए। वे 3 नवंबर को डिटेल लिस्ट भी देंगे। आजम के कोर्ट में आने की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। इस दौरान कचहरी में प्रवेश करने वाले सभी गेटों पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई थी। सिविल लाइन्स और कोतवाली थाने की पुलिस भी तैनात लगातार नजर आई थी। अब यहां पर आजम खान भी पूरी तरीके से अपने होश और हवास में कहते नजर आए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है और 3 नवंबर यानी कि कल वो अपने पक्ष में सारे सबूत भी पेश करते नजर आएंगे। तो ये तो थी खबर की जानकारी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आजम खान को सच में फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि चुनाव नजदीक है तो उससे पहले यहाँ पर अखिलेश कमजोर हो, इसलिए सब किया जा रहा है। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि क्या आजम बच सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आजम बचे? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।